दोस्तों नमस्कार। अतिथि शिक्षक की भर्ती को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है, जो कि कार्यालय सहायक आयुक्त जनजाति कार्य शहडोल मध्य प्रदेश से जारी हुआ है। यानी ये जो आदेश आया हुआ है ये जनजाति कार्य विभाग के लिए जारी हुआ है, लेकिन इस बार इसमें जो लिखा गया है वो प्रोसेस है कि लगभग आपकी जो पूरी प्रक्रिया है वो DPI के समान ही होगी, यानी जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसी के समान अब इसकी जनजाति कार्य विभाग में भी भर्ती होनी है। तो इसमें हम आपको पूरी एक खबर इसमें विधिवत दिखाएंगे, पूरी प्रक्रिया को आप आसानी समझ लें। लगभग इस बार जो भर्ती होनी है इसमें लिखा भी है कि जो पूरी प्रोसेस है वो DPI के द्वारा ही, जो GFMS पोर्टल है उसी के आधार पर ही होनी है। तो हम आपको एक एक चीज़ बताते हैं, इसको कृपया अच्छे से नोट कर लें जिससे कोई गलती ना हो, और जब तक DPI का आदेश आता है तो आप पूरी चीज़ें इकट्ठा कर लें और जैसी जैसी प्रोसेस आपको सब क्लियर भी हो जाएगा। ये संकुल प्राचार्य ठीक है विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लिए दिया गया है। हम आपके मेन मुद्दे पर चलते हैं। यहाँ पे आप विषय देख सकते हैं, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में, यानी कि जो नया शिक्षा सत्र लागू होगा 2024-25 उसके लिए बात कर रहा है। आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश भोपाल का जो पत्र जारी हुआ था क्रमांक ये सब देख लेंगे आप, 5 जुलाई को जारी हुआ था, एवं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक ये अतिथि शिक्षक 2024-108 भोपाल दिनांक 2 जुलाई द्वारा, इसमें जो बताया गया था कि ये जो 2 जुलाई को और 5 जुलाई को आदेश जारी हुए थे उसमें लगभग ये वाला आदेश था कि GFMS पोर्टल पर उसकी व्यवस्था की जाए पूरी। इसमें निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, नवीन शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए SMC या SMDC के माध्यम से रिक्त पदों की गणना अनुसार तैयार अतिथि शिक्षकों के पैनल से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। यानी जो SMC या SMDC में पैनल बनेगा उसी के आधार पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कहा गया है, यहाँ पे आप देखेंगे मेन मुद्दा अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षा विभाग के समान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के समान ही होगी, GFMS पोर्टल के माध्यम से ही की जानी है। इसलिए लगभग जो जो प्रोसेस होंगी वो दोनों की अब सेम हो जाएंगी। जिन शालाओं में GFMS पोर्टल में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही हो उस स्थिति में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाती है। ये उनके लिए है जिनमें GFMS पोर्टल का जो दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, जिन शालाओं में GFMS पोर्टल में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही हो वो टीम गठित की गई है, ये इनका टीम का निराकरण, ये जो टीम है उनकी निराकरण करेंगी। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, विद्यालयों में विषय शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक एवं जो भी अन्य सह अकादमिक पदों के लिए भी होगी उक्त प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार आमंत्रित किया जाए। यानी जरा सी भी मनमानी बिल्कुल ना करें, जैसा नियम कहे वैसा ही करना है। फिर CM राइज विद्यालयों में भी उक्त प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना ठीक है, CM राइज विद्यालयों में भी यही प्रक्रिया चलेगी। उपरोक्त समिति GFMS पोर्टल द्वारा अनुशंसित पैनल में से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार करेंगी। उक्त निर्देश पत्रों में अतिथि शिक्षक व्यवस्था निर्धारित अतिथि शिक्षक पोर्टल यानी कि GFMS पोर्टल से ही किए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं। यानी जो GFMS पोर्टल में अभी तक फीडिंग हुई है उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति होनी है। वर्तमान में इस GFMS पोर्टल के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित शालाओं के ही स्वीकृत रिक्त पदों की जानकारी भी अपडेट है एवं रिक्त पद अतिथि शिक्षक हेतु दिख रहे हैं। यानी ये भी अब दिखने लगेंगे, जो रिक्त पद हैं वो अतिथि शिक्षक के लिए दिखने लगेंगे। ये तो शहडोल के लिए स्पेशली बोल रहा है कि शहडोल में ठीक है इतने विकास खंड, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, और जो उसमें जनजाति में कर रहे हैं उनके लिए तो स्पेशल ही है ये, खासकर शहडोल जिला वालों के लिए। और इसमें जो पूरा अपडेशन है वो सब दिख रहा है, इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लेंगे। इसमें लिखा हुआ कि पूरे निर्देश दिए गए हैं, सब काम अनुमोदन के अनुमोदन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हम दिखाते हैं आपको अतिथि शिक्षकों के पैनल क्रम से, जो पैनल आपका बना हुआ है GFMS पोर्टल पर,
आमंत्रण पूर्व जीएफएमएस पोर्टल से संबंधित शिक्षक का सत्यापन एवं संबंधित का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है, यानी भले वो पैनल क्रम में होगा लेकिन उसका स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। यथा निर्मित कारणों से यह सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में जिला में निर्धारित समिति का अनुमोदन कराया जाना है, यानी यदि किसी कारण से स्कोर कार्ड नहीं निकल पा रहा या वेरीफाई नहीं हो पाया तो ये भी जिला की टीम करेगी। फिर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, माध्यमिक विद्यालय हो अथवा प्राथमिक विद्यालय हो, उनके जिन संस्थाओं में 24-25 में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के लिए SMDC अथवा SMC का जो कार्यवाही विवरण है जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के हेतु भी प्रस्तुत किया जाना है। समिति के समक्ष उक्त संस्थाओं में विषयवार स्वीकृत भरे और रिक्त पदों की संकलित जानकारी अवलोकन के लिए रखी जावे, साथ ही संस्था के कालखंड की भी जानकारी इस बार आपको देनी है और 6 कालखंड आपको आवंटित भी करेंगे, संकलित कर जानकारी प्रस्तुत करना होगा। जिला स्तरीय समिति के समक्ष सभी संकुल प्राचार्य संकुलांतर्गत विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने संबंधी जानकारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, जिससे अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु SMDC या SMC के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन कराया जा सके। इस हेतु कार्यवाही विवरण की सुवाच्य एवं सुस्पष्ट प्रतियां होना अनिवार्य है, यानी आपका इस बार वेरिफिकेशन भी होने वाला है। संकुल प्राचार्य के अलावा अन्य संस्था प्रमुख इस कार्यालय को अथवा समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे संकुल प्राचार्य ही होना चाहिए अथवा अन्य जो संस्था प्रमुख हैं, संस्था प्रमुख ही चलेंगे इसमें। जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन कराने का दायित्व तो संकुल प्राचार्य का होगा। कतिपय कारणों से यदि किसी संस्था या संकुल प्राचार्य द्वारा नियम विरुद्ध अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो उसके लिए संस्था प्रमुख या संकुल प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतिथि शिक्षक व्यवस्था के हेतु संकुल प्राचार्य या संस्था प्रमुख शासन निर्देशों का भलीभांति अवलोकन करें और नियमानुसार और पारदर्शी कार्यवाही सुनिश्चित करें। अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु तैयार अथवा अनुमोदित पैनल में से वरीयता अनुसार ही आमंत्रित किया जाए। संबंधित आवेदक द्वारा लिखित असहमति देने पर ही अगले क्रम के आवेदक को आमंत्रित किया जाए। नियमानुसार नया पैनल निर्माण करने की स्थिति में यदि कहीं पे पैनल नहीं बना हुआ है और नया पैनल बनाना है, उसके लिए डेट भी आ गई है कि जो विद्यालय हैं वो आवेदन प्राप्त करेंगे, जिनका स्कोर कार्ड होगा उनका 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक आपको आवेदन प्राप्त करना है। SMC या SMDC की जो बैठक है वो आपको 19 जुलाई को करनी है। जिला स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना है 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, यानी 23 से लेकर 26 के बीच में जिला की जो टीम उसको अनुमोदित करेगी वो होगा, और जब पैनल अनुमोदित हो जाएगा उसके अनुसार अतिथि शिक्षकों का आप आमंत्रण करेंगे 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, और अतिथि शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होंगे 1 अगस्त से, यानी 1 अगस्त से अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अनुमोदन के लिए जो दस्तावेज है इनको देख लेंगे, ये ठीक है, संकुल प्राचार्य का काम है वो सब देख लेंगे। इस प्रकार ये पूरा आदेश है, ये पूरा इसमें दिया हुआ, ये पूरा आदेश आया हुआ है कि इस प्रकार आपको बनाना है विद्यालय का नाम, उसमें शिक्षक का नाम, पद नाम, स्नातक के विषय कौन कौन से थे, स्नातकोत्तर थे, व्यावसायिक योग्यता क्या है, ये सब पूरा फीड करके अनुमोदन कराने के लिए लेके जाना है। ये पूरे उनके स्वीकृत कालखंड हैं, रिक्त पद हैं, ये सब पूरा उनको फीड करा के